ये राजस्थान की सरकार ये कांग्रेस की बनी हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आधार पे बनी है। जब जिसको मौका मिले यहां मंच से भी बोलिए, गांव में बोलिए, गली में बोलिए, सड़कों में बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, जो सोना चाहिए। आम आदमी जीव पिस रहा है, आदमी आत्महत्याएं कर रहे हैं गरीब, और हम अगर अंगुली हलाएंगे तो हम हमारी जिम्मेदारी से भागने की चेष्टा करेंगे। इसलिए जिम्मेदारी से भागने की आवश्यकता नहीं है। जहां 100 बुलाए वहां 500 लेकर के आओगे तब तो मानेंगे कि आप लोग और हम लोग कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में इस मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। जब 2023 में दोबारा सरकार लाने की बात कर रहे हैं, 2024 में जब हम मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं, और आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई देश में है तो महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, किसान तड़प रहा, ये भी मुद्दे हैं। इन मुद्दों के ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी, हमको मुखर होनी पड़ेगी, और ये ऐसा समय लाना पड़ेगा कि लोग ये कहें कि मेरे को बोलने का मौका कैसे नहीं दिया, मैं मेरी बात कहता, तब जा करके हम इस देश में इस मोदी राज को हटाने में कामयाब होंगे। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप सब लोग कांग्रेस का कार्यकर्ता आए, नेता आए, धन्यवाद, लेकिन और ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता है। गांव ढाणी में, गली में, वार्ड में, मोहल्ले में जाकर के अगर हम जहां भी जाए, अगर इस महंगाई को हटाने के लिए महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत हमको सबको बोलना पड़ेगा। मैं बोलता हूं आरएसएस के खिलाफ, बोलता रहूंगा, कभी आरएसएस के लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, भाजपा के लोग चुनाव लड़ते हैं। आरएसएस के लोग भाजपा के चुनाव की सरकार बनने के बाद में पर्दे के पीछे ये इस प्रकार का देश में माहौल गंदा करने का काम करते हैं, देश में शासन करने की कुचेष्टा करते हैं। अगर अब भी हम नहीं बोलेंगे तो फिर हम तभी नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, जब तक एक सांस है, जब तक इस खून का एक बूंद का कतरा भी हमारे शरीर में है, अगर हमने इस मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष नहीं किया, हमने लड़ाई नहीं लड़ी, तो ये देश का इतिहास, देश के नौजवान और आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी।